हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और ये सुबह का टाइम था, कोई ऐसा होगा 7 बजे का टाइम है सुबह का। तो यहाँ मैं फटाफट नहा के तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे हवन में जाना था। तो हवन में जैसे कि 7 तो नहीं, मुझे लग रहा 8:30 बजे थे, क्योंकि हवन तो 7 बजे से ही स्टार्ट हो गया। तो मैं लेट गई थी क्योंकि जब थोड़ा सा हवन हो चुका था तो मैं बीच में पहुँची थी, क्योंकि मेरे को कुछ घर के काम करने थे और कुछ अपना नहाना धोना वो ही किया। उसके बाद फिर जैसे गई तो वहाँ पे पता लगा कि भाई कुछ मुझे बना के लेके आना है। तो मैंने फटाफट फिर आटा किया है और पूरी बनाई है जो वहाँ पे हवन में ज़रूरत थी। तो पूरी मैंने यहाँ पे बना ली है जो मंगाई थी। तो मिठाई भी मंगाई थी लेकिन मिठाई तो नहीं थी, मैंने बूरा और घी भी बूरा को घोल लिया था, मिक्स कर लिया था। तो ये शास्त्री जी ने जो मंगाया था। तो यहाँ पे हमारे जो भागवत चल रही है तो बड़ा हवन हुआ है, तो उसके लिए ये सारे इकट्ठे हुए हैं, सभी हवन में शामिल थे। तो ये सुबह का टाइम था तो यहाँ पे हवन हो गया है स्टार्ट। तो वही सामग्री वगैरह खे रहे थे हम, तो सभी खड़े हुए थे वहाँ पे, जो आसपास के लोग थे तो सभी थे वहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपका स्वागत है पूनम यादव ब्लॉग में। तो प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और ये सुबह के 11:30 बज गए हैं। तो सुबह मैं हवन में चली गई थी क्योंकि हवन चल रहा था मंदिर में। आज बड़ा हवन था क्योंकि आज जो भागवत गीता चल रही है तो उसका एंड हो रहा है, और एंड हो रहा है तो मम्मी कर रही हैं चूल्हे पर शाम के प्रसाद की तैयारी। वो वाले उसको बोलते हैं कौन सा प्रसाद, वो आटे वाला होता है भून के, तो वो वाला प्रसाद तैयार कर रहे हैं शाम के लिए। तो आज भागवत का लास्ट दिन है और कल होगा भंडारा हमारे यहाँ पे मंदिर में। और मैंने यहाँ पे चावल ले लिए हैं जो कि मुझे बनानी है खीर, और ये खाना तैयार करना है आज। तो किसके लिए हो रहा है खाना तैयार भी तो फ्रेंड्स मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। तो फिलहाल तो अभी मैं खाने में लग रही हूँ। और ये चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं, मम्मी ने भिगा के रखा था, तो इनको मैं वॉश कर लेती हूँ। अभी इनको मुझे धोना है तो इनकी बनेगी खीर। तो खीर बनानी है इनकी मेरे को। उसके बाद छोले उबाल रखो, छोले हैं और राजमा है तो इनको भी भिगा के रखा हुआ है, तो शाम को खाने की तैयारी होगी। तो ये वाली तैयारी करनी है मेरे को खाने की। तो फिलहाल मैं अभी काम में व्यस्त हूँ, इसमें लगती हूँ, तो दिखाऊंगी मैं आपको जरूर कि क्या क्या बना रहे हैं। तो खाने में लगते हैं फिलहाल। तो
तो फ्रेंड्स मैंने इसमें चावल रख दिए हैं, तो कुकर में ये फटाफट एक सीटी लगवाऊंगी तो ये फटाफट बन के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद इसमें दूध डाल दूंगी और उसके लिए ये छुआर ले लिए हैं कटोरी में, तो और ये कुछ मेवाएं कर ली हैं जो खीर में डालनी है, तो फिलहाल मैंने खीर को रख दिया है बनने के लिए कुकर में। और मखाने ले लिए हैं एक कटोरी में, हमारे तो कोई खाता नहीं, बहुत कम खाते हैं, आदि भी नहीं खाता है, ये भी नहीं खाता, तो हम ये खीर नहीं खाते हैं, पापा खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन मेरे को नुकसान देती है थोड़ा सा, खा लेती हूँ पर सर दर्द कर देती है मेरे, तो इसलिए मैं कम खाती हूँ। तो फिलहाल तो खाने की तैयारी हम किसी और के लिए कर रहे हैं, तो वो मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताऊंगी कि किसकी तैयारी हो रही है खाने की, किसके लिए बन रहा है खाना। तो खीर रखने के बाद मैंने उसमें खीर रख दी थी जैसे, तो फिर मुझे करनी है अपने छोलों की तैयारी। तो छोलों को मैं चूल्हे पे रख के आ जाऊंगी, क्योंकि ये कुकर जो बना रखा है मैंने चूल्हे के लिए ही कर रखा है, क्योंकि ये बड़ा भी है और इसका जो ये चूल्हे का ही बना दिया है मैंने, ये है कि गैस पे इसको नहीं रखते हैं क्योंकि बड़ा कुकर है। तो यहाँ पे आदि मेरे को परेशान कर रहा था, तो उसी के पीछे मैं लग रही थी, तो उसको डांट रही थी ऐसे ही। तो यहाँ पे मुझे अपने छोले की तैयारी करनी है, तो ये मेरे छोले और राजमा मैंने भिगा के रखे हुए हैं, इनको धो के अच्छे साफ से, इसको साफ अच्छी तरह से धो के मैं इनको बाहर कुकर पे चूल्हे पे रख के आ जाऊंगी, तो वहाँ पे ये बन जाएंगे। और यहाँ पे मेरे खीर बन चुकी है तैयार, तो ये आज ये जो भाड़ सो रही है मंदिर में, तो वहाँ पे जो शास्त्री जी हैं, जो भी उनका स्टाफ है, उनके लिए खाना तैयार किया गया है। तो ये आज ना लहसुन प्याज का खाना बनेगा, तो लहसुन प्याज की ये लोग नहीं खाते हैं लहसुन प्याज। तो फ्रेंड्स खीर तो बन चुकी है मेरी, और मुझे अब जो छोले मैंने उबाल के रख लिए हैं ना, वो मेरी सूटी निकल चुकी है इसकी, तो मुझे अब छोले को फ्राई करना है। और टमाटर मैंने कट कर लिए धीरे, तो मैंने 5-6 टमाटर ले लिए हैं इनको, तो इनकी मुझे प्यूर बनानी है मिक्सी में। और खीर भी मेरी बन के हो चुकी है तैयार, तो खीर मैंने यहाँ पे इसमें बनानी है, तो इसमें मैंने खीर बनानी है। तो और मुझे अब अपने जो छोले राजमा को मैंने सीटी लगाई थी, तो उनको निकल चुकी है, तो मुझे इसमें उनको फ्राई करना है। और लहसुन प्याज में डलेंगे नहीं, तो ये बिना लहसुन प्याज का खाना बनेगा। तो फिलहाल चलो ये उबल चुके हैं मेरे, फिलहाल मैं टमाटर की भी पूरी बना लेती हूँ। ये आलू मैंने इसमें 3-4 आलू डाले थे, क्योंकि इसमें प्याज का तो पेस्ट है नहीं, क्योंकि प्याज से ही थोड़ी सी ग्रेवी बनती है, तो वो नहीं थी, तो मैंने इसमें 3-4 आलू ले लिए थे, तो उनसे थोड़ा सा मेस करके अच्छे से, तो उनके से ग्रेवी अच्छी सी हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने इसमें 3-4 आलू डाल लिए हैं। और उसके बाद इसमें डाल दिया है जीरा और अपनी प्यूरी डाल दी है जो कि मैंने टमाटर की बनाई हुई थी, तो वो मैंने डाल ली है इसमें। तो ये बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बन रही है, तो इसमें मैंने अपनी हल्दी है, मिर्च है
और हरी मिर्च थी वो तो मैंने नहीं, जो टमाटर में थे उसमें कट करके उसमें मिक्सी में ही कर दिया था उनको। तो यहाँ पे अपने जो भी मसाले हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, और इसमें अपने मसाले अच्छे से इनको पका के उसके बाद इस पर अपना जो ये टमाटर, ये आलू का जो वो रखा हुआ है, जो आलू को मैंने मेस करके रखा हुआ है उनको भी डाल दूँगी इसमें, तो इससे ग्रेवी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो इसमें ये नहीं लगेगा कि इसमें प्याज नहीं है, तो इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इससे, आलू को डालने से। तो यहाँ पे मेरे आलू ये मैश हो चुके हैं, तो इसमें मैं अपने इन आलूओं को डाल दूँगी। तो मेरी सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बन रही थी, जैसे कि प्याज वगैरह नहीं थी, जैसे बिना प्याज की अच्छी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है, तो यहाँ पे बिना प्याज की सब्ज़ी थी तो काफ़ी टेस्टी बन रही थी जैसे कि खाई थी। तो यहाँ पे मेरे छोले भी बन के तैयार हो चुके हैं और काफ़ी टेस्टी बने हुए थे। तो चलो भाई फ्रेंड्स, बन गई है मेरी सब्ज़ी। चली चली रे मैया मेरी चली रे, चली करलू की धारा भी चली रे। बांके बिहारी, बांके बिहारी मदन मुरारी, बांके बिहारी मदन मुरारी, ऐसा रोग लगा तैयार आरे भोग नधारी, मदन मुरारी भोग नधारी, खेल बिहारी ऐसा रोग लगा तैयार देखो देखो ये गरीबी कहाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है अचंभा। ये मेहमान रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया Thank you.
परिया मनुहार करे
देखूं थे कहीं ना तो भोग लगा शाम धनी रे मारा और बाकी भगता ने बाटो।